अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या रेप केस मामले में पीड़िता को लाश के लिए लखनऊ लाया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और कुछ परिवार वालों के साथ एम्बुलेंस से पीड़िता को लखनऊ लाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी मोहित खान को गिरफ्तार कर चुकी है। उसकी बेकरी और दूसरी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया गया है। तबियत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने लखनऊ रेफर किया है। अभी तक अयोध्या में इलाज चल रहा था, अब लखनऊ में इलाज किया जाएगा, वहां पर रेफर किया गया है। वो भर्ती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, उसको देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर किया है। आज डॉक्टरों की टीम और कुछ जो है हमारे समाज के और उसके रिश्ते रिश्तेदार जो है लखनऊ के लिए गए हैं। समर श्रीवास्तव मेरे से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, तो मेडिकल टीम क्या कह रही है, डॉक्टर्स का क्या कहना है पीड़िता की हालत के बारे में? नेहा, देखिए जो जानकारी अभी तक मिली है वो ये है कि जो उपचार उस लड़की को चाहिए, उस नाबालिग लड़की को चाहिए, वो शायद अयोध्या के उस जिला अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लखनऊ केजीएमयू में उसको रेफर किया गया है। और यही रीजन है कि वहां पर जो आला अधिकारी है, जो सीनियर डॉक्टर्स है, उनके साथ उसको लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। साथ में अन्य जो नेता थे उन्होंने भी यही बयान दिया है और कहा है क्योंकि हालत में सुधार उसके है, ऐसा नहीं है कि उसकी हालत में सुधार नहीं है, हालत ठीक है, लेकिन क्योंकि बेहतर इलाज उसको जो लखनऊ में मिल सकता है वो शायद वहां नहीं मिल सकता है, इस वजह से उस लड़की को यहां पर रेफर किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी एक्शन जारी है। कल आपने देखा किस तरह से बेकरी के एक पोर्शन को बुलडोजर कार्रवाई में गिराया गया था, और अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन अयोध्या में मैपिंग कर रहा है, यानी कि चिन्हीकरण कर रहा है सरकारी संपत्ति पर जो अवैध प्रॉपर्टीज बनी है, जो मोहित खान की भी है या उनके उसके सहयोगी की भी है, उसकी प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं चिन्हित किया जा रहा है। उसके बाद वहां पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। आज क्योंकि अयोध्या में कांवड़ यात्रा को लेकर काफी गहमा गहमी रहती है, सोमवार का दिन है, तो इस वजह से जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉयमेंट उसका मैक्सिमम इन कांवड़ियों को लेकर है, क्षेत्रों को लेकर है, तो इसलिए जो बुलडोजर एक्शन है या अन्य कार्रवाई इस मामले को लेकर है वो माना जा सकता है कि कल से दोबारा एक बार शुरू हो सकती है। जिस कॉम्प्लेक्स का जिक्र हमने किया था अपने रिपोर्ट में, उसके 1/3 जो पोर्शन है वो बताया गया है कि इलीगल, और उसी में बेकरी का आगे वाला हिस्सा आता है, तो वहां भी एक्शन हो सकता है। तो वहीं जो पीड़िता है उसकी जो हालत है उसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्न लगातार है, और लगातार परिवार के साथ साथ सरकार के आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधे हुए हैं। जी नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अयोध्या रेप कांड पर बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी की तरफ से लखनऊ में अब दूसरा पोस्टर लगाया गया है। पहले पोस्टर मुलायम सिंह यादव का बयान आपको याद होगा, लड़के हैं गलती हो जाते हैं, उसे लेकर पोस्टर लगाया गया, एसपी पर इसको लेकर निशाना साधा गया। वहीं अब दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए दिखावा है। पीडी से मतलब कहीं बस मुईद ए को कुछ नहीं होना चाहिए। ये पहले वाला पोस्टर आप देख रहे हैं, अब दूसरा पोस्टर लग गया है, पीडी से कोई मतलब नहीं, बस मुईद ए नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पीडीए